ओ, ये खिलौने वाला प्लेन असली में उड़ने वाले प्लेन की तरह नहीं उड़ पाएगा लिटिल किटी। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। हे दोस्तों, तो आज के एपिसोड में क्यों ना हम प्लेन्स की तरह हवा में उड़ें और फिर मिलकर पता लगाएं कि प्लेन्स आखिर उड़ते कैसे हैं। जूम इन। एयरप्लेन्स मेटल और गियर से बनी इन बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर कितना मजा आता है ना, जो पूरी दुनिया के ऊपर उड़ान भरा करती हैं। पक्का मजा आता होगा। पर आज जो बहुत ही आसान मालूम होता है, वो कुछ 100 साल पहले सिर्फ एक सपना भर हुआ करता था पूरी दुनिया के लिए। लोग सोच भी नहीं सकते थे। हजारों साल पहले लोग ऊपर आसमान में देखा करते थे और सोचते थे कि वो उड़ पाए तो कैसा होगा। ग्रेविटी को हराने के लिए उन्होंने कई तरीके निकाले, पर बदकिस्मती से कभी कामयाब नहीं हो पाए। पर दो भाई, जिनका नाम था ऑर्विल और विल्बर राइट, ये चैलेंज लिया कि उड़कर दिखाएंगे। और 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने हिस्ट्री बनाई, जब कामयाब तरीके से उन्होंने उड़ान भरी। ये प्रॉपर एयरप्लेन तो नहीं था, ये फेमस उड़ान बस 12 सेकंड तक ही चली। पर तब से लेकर इन शानदार मशीनों में बहुत बदलाव आ गए हैं और आज इनकी मदद से पूरी दुनिया के ऊपर घंटों तक बड़े आराम से चक्कर लगा सकते हैं। पर जरूरी सवाल यह है कि कैसे कैसे ये मशीनें इतना सारा बोझ उठाकर आसमान में आसानी से उड़ पाती हैं? देखिए, आपके सामने है इस मुश्किल सवाल का जवाब। ये है हवा। जी हाँ, हवा एक फिजिकल सब्सटेंस है जिसका वजन होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लगातार यहां वहां हिलते डुलते रहते हैं और हवा का दबाव बनाते हैं, जो किसी भी चीज के उड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ये बात पतंग से समझाता हूं। देखिए, जब एक पतंग किसी सरफेस पर होती है, जैसे कि एक टेबल पर, तो ऊपर हवा का दबाव ज्यादा होता है, पर इसके नीचे के हिस्से में हवा का दबाव बहुत ही कम होता है। अब क्योंकि हवा का दबाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो ये सरफेस पर ही बनी रहती है। लेकिन जब हवा पतंग के नीचे चलती है, तो नीचे का दबाव ऊपर के दबाव से ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हवा पैदा करती है एक फोर्स, जिसे कहते हैं लिफ्ट, और उसके बाद ये हवा में उड़ने लगती है। इसी लिफ्ट के सेम फोर्स को ध्यान में रखते हुए एयरप्लेन के विंग्स बनाए जाते हैं। जी हाँ, एयरप्लेन विंग्स का शेप कुछ ऐसा होता है कि ऊपर की हवा काफी तेज चलती है, और जब हवा तेज चलती है तो उसका दबाव कम हो जाता है, तो विंग के ऊपर का दबाव विंग के नीचे के दबाव के मुकाबले काफी कम होता है। दबाव का ये अंतर विंग पर एक फोर्स बनाता है, जो विंग को हवा में उठाकर ले जाता है। पर सिर्फ इस लेवल का फोर्स एयरप्लेन को हवा में उठाने के लिए काफी नहीं होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिफ्ट पैदा करने के लिए विंग का एंगल कुछ इस तरह से रखा जाता है कि इसके नीचे की हवा नीचे मौजूद सरफेस की तरफ जाती रहे, और कोवांडा इफेक्ट की मदद से विंग्स के ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ लगातार जाती है। तो अब क्योंकि हवा धीरे और नीचे की तरफ चलती है, तो इतना फोर्स मिल जाता है कि विंग्स ऊपर जाएं और पीछे जाएं। एक मिनट रुको, प्लेन्स का काम तो आगे की तरफ जाना है ना? बिल्कुल सही, इसीलिए तो इनमें लगाए जाते हैं बड़े बड़े एंजिन्स। ये पावरफुल एंजिन्स प्लेन्स को थ्रस्ट देते हैं। ये फोर्स उस फोर्स से ज्यादा है जो प्लेन पर आगे की तरफ पड़ती रहती है। इसी वजह से एयरप्लेन आगे की तरफ चलता है।
और जैसे ही नीचे का एयर प्रेशर बढ़ता जाता है, एयरप्लेन हवा में उड़ जाता है और उसमें हम कहीं भी आराम से जा सकते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि एंटोनोव AN-225 अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है? जी हाँ, इसकी लंबाई 84 मीटर है, जबकि इसके विंग्स की लंबाई 88.4 मीटर है। उम्मीद है आज कुछ नया सीखे आप। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ये तो गई।